जॉन विक फ्रेंचाइजी ने एक्शन जॉनर को पूरी तरह से चेंज कर दिया। जॉन विक एक्शन जॉनर की पीक फिल्म मानी जाती है और अभी जॉन विक चैप्टर 4 और रिलीज होने के बाद अगर आपको ऐसी मूवी देखनी है तो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है किल बॉक्सून। इस मूवी की कहानी है किल बॉक्सून एक कॉन्ट्रैक्ट असैसिन है जो इजीली किसी को भी मार डाल सकती है। जिस इंसान को उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा किल बॉक्सून को उसे मारना पड़ेगा, लेकिन ये सब उसके बेटी को नहीं बता। वो उसे बताती है कि मैं एक इवेंट कंपनी चलाती हूँ, लेकिन जो उसे इस धंधे में लाते हैं मिस्टर चा जो कि इस मूवी का मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और पूरा बैड एस दिखाया उसे, उसे के खिलाफ जाती है। आगे क्या होगा मूवी में देखना। सबसे पहले बात करूँ इसके एक्शन सीक्वेंस की, दिल जीत लिया मेरा इसके एक्शन सीक्वेंस ने। जिस तरह कैमरा वर्क हुआ है, जिस तरह सिनेमेटोग्राफी इस मूवी में, एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस देती है ये मूवी। और बात करूँ तो बहुत से रिव्यूअर्स कह रहे हैं कि इसकी स्टोरी बहुत सिंपल है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी जॉन विक और एक किल बॉक्सन जैसे मूवी में स्टोरी ढूंढते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी हो। वैसे इस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूवी का पर्पज क्या है। जॉन विक किल बॉक्सन इन मूवी का पर्पज है एक्शन दिखाना और वो पूरा पर्पज सर्व करती है। और स्टोरी भले ही सिंपल हो, लेकिन जिस तरह इन मूवीज का स्क्रीन प्ले लिखा जाता है उसी पर होता है कि मूवी अच्छी है या फिर बुरी। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, इंडियन मूवीज का रंगस्थल मूवी थी तेलुगु की। स्टोरी सिंपल है लेकिन स्क्रीन प्ले की वजह से मूवी एक बड़ी एक्सपीरियंस देती है। और वही पर और एक मूवी की बात करोगे धाकड़ की, मूवी कुछ नया ट्राई कर रही थी लेकिन स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं था तो मूवी बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी। तो ये मूवी बहुत बढ़िया है, एक एक्सपीरियंस देती है। इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और खास करके एक्शन बहुत बढ़िया था। और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर सच में एक रिकॉर्ड ब्रेक व्यूअरशिप डिजर्व करती है। मेरा फेवरेट एक्शन सीन है इस मूवी में से मिस्टर चा का होटल का एक्शन सीन रशियंस के साथ। उसमें जो एक्शन और सिनेमाटोग्राफी है और उसके बाद एक मीटिंग पर वो चाकू से दूसरे अपने सहयोगी पर हमला करते है, उसमें भी वो जो बैडेस तरीके से उससे मारते है और सबको बताते है कि मुझसे पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। मैं बिक गया इस मूवी के लिए, मुझे इसका सीक्वल देखना है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, इसे जरूर देखना।